और खतौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी के समर्थन में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी को समर्थन देने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं मुजफ्फरनगर की इस धरती को नमन करता हूं जिसमें एक ओर मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है तो दूसरी ओर से मां यमुना का भी आशीर्वाद इस धरती को प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, भागवत की धरती भी सुखतीर्थ इसी जनपद में पड़ता है और आप सब जानते हैं कि गंग नहर के माध्यम से खतौली विधानसभा क्षेत्र मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी सैनी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए चौधरी यशवीर सिंह जी ने, अभिषेक गुर्जर जी ने, श्री भोपाल सिंह गुर्जर जी ने और दो निर्दलीय प्रत्याशी श्री प्रदीप ठाकुर और श्री रविंद्र जी ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। मैं इन सब का हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये धरती धर्म की धरती है तो यह शांति का संदेश देती है, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है इस धरती ने क्रांति का संदेश भी दिया है। कौन सा ऐसा कालखंड है जब इस धरती ने अपने संदेश को न दिया हो, चाहे वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में उनके प्रमुख सेनापति के रूप में चौधरी सजात सिंह के योगदान का स्मरण करने का दिन हो, या फिर देश की आजादी की लड़ाई में प्रथम स्वतंत्र समर में श्री कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ी गई इस लड़ाई के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, कभी भी यह क्षेत्र चूका नहीं, अपने मूल्यों अपने मापदंडों से डिगा नहीं, हिला नहीं और आज भी यहां का अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से गन्ने की मिठास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है और यही तो कारण है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल इसी खतौली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर मिठास फैलाती है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, कबाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बगैर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है? और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपा सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, विक्रम सिंह सैनी अपने परिवार के लिए अपनी सदस्यता नहीं गंवाए, यहां के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई और मैं देख रहा था सदस्यता जाने के बाद भी उनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं थी। उनको इस बात का एहसास था और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ी, बिना डिगे बिना हिले बिना झुके उस लड़ाई को लेकर के लड़ते रहे, कार्य करते रहे
और सदस्यता जाने के बाद भी कहीं पे कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा कि तो मैं जो मेरा कर्तव्य था उस कर्तव्य के लिए हमने किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने श्रीमती राजकुमारी सेनी जो मजबूती के साथ उनके साथ उस समय खड़ी रही उनको फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कबाल का बवाल हो रहा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था, हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था, तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? आज पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, तब लोकदल कहां था? तब तो ये पूछने नहीं आए थे। और भाइयों बहनों हम लोगों ने मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर बनाया है। पहले यहां पर केराना और कांधाला से प्लान होता था, हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे, अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों आज केरान और कांधला का प्लान बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं, आज फिर से केरान और कांधला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है।